हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में विश्व के महाद्वीप से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका है साथियों। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। याद रखना साथियों, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। याद रखना साथियों, यूरोप। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं पाया जाता, मरुस्थल विहीन है। आपका चौथा प्रश्न है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ सरीसृप नहीं पाया जाता? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? याद रखना, केप अबुलहास कहते हैं। क्या कहते हैं? केप अबुलहास। आपका छठवां प्रश्न है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो इसका आंसर है यूरोप। अगला प्रश्न है, इस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका। तो कौन महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। अब आठवां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका। आपका नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में अनातरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है यूरोप। यूरोप महाद्वीप में अनातरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? ऑप्शन दिया है यूक्रेन, रोमानिया और बेलारूस। तो याद रखना साथियों, इसका आंसर क्या होगा? यूक्रेन और रोमानिया, इन दोनों देशों की मालदेवा के साथ साझी सीमाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रत्नों पर विचार कीजिए। अजमान संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। आप दूसरा है, रस अल खैमा संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ने वाला अंतिम से राज्य था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है 1 और 2, दोनों सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो इसका आंसर है पुत्रजाया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कांस, फ्रांस, डाविश, डेनमार्क, रोला गारो, नीदरलैंड। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है? तो कांस एक शहर का नाम है जो कि फ्रांस में स्थित है, ये तो सही है। बाकी डाविश डेनमार्क का ये गलत है, रोला गारो नीदरलैंड में नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है, फ्रांस एक शहर का नाम है जो कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, केरल,
हिमालय, अंटार्कटिका। तो याद रखना दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है अल्पास, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन है, अल्पास है। आपका अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सूची एक में दिया है अत्यधिक गर्मा, तो सूची दो से मिलाना है, तो अत्यधिक गर्मा कौन है, सहारा जो कि अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान। अत्यधिक ठंडा, याद रखना साथियों, अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापुंजी में होती है। और अत्यधिक सूखा, चिली। तो देखिए अत्यधिक गर्मा का सहारा मतलब ए का चौथा, तो ए का चौथा केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो कौन से महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मालदीव जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो सूची वन में देशों के नाम दिया है और सूची दो में उन देशों के राजधानी ही दिया है। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी है, और युगांडा की राजधानी है कंपाला, और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो देख लिया ऑप्शन में, केन्या की राजधानी नैरोबी मतलब ए का दूसरा होगा, तो बी सी में है ए का दूसरा। अब देखिए युगांडा की राजधानी चौथा कंपाला, तो बी बी भी इसमें भी चार है, इसमें भी चार है। अब देख लीजिए सी को, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तो यहाँ सी का वन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट, बैरूत। तो इसे पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो लिस्बन जो है सबसे पश्चिम में है, उसके बाद लंदन है, उसके बाद फ्रैंकफर्ट है, और लास्ट में पूर्व की तरफ बैरूत है। तो सबसे पहले लिस्बन, देखिए लिस्बन दो बी और सी में दिया है, उसके बाद लंदन यहाँ पर एक एक दिया, उसके बाद फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट ये तीसरा, और लास्ट में बैरूत। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो साथियों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तो मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।